वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। दोस्तों, आज प्रोग्राम के क्वेश्चन आंसर शुरू होने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूं, विच प्रॉब्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर ऑफ दिस कंट्री टू अंडरस्टैंड कि हर चीज एक साइकिल है। जैसे इंसान की लाइफ एक साइकिल है, उसी तरह बिजनेस इज ऑल्सो अ साइकिल, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइकिल, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो अ साइकिल। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द साइकिल हैज टू चेंज, और जब तक साइकिल चेंज नहीं होती है तब तक अच्छा टाइम आता नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं कि साइकिल चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स द साइकिल ऑफ द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज गोइंग टू चेंज, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन गो अहेड एज फार एज टाटा स्टील इज कंसर्न। तो ये पहला गुरु मंत्र जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला इज ओनली फॉर द रीजन बिकॉज I am looking at the steel cycle to change in India, and therefore the basic attractive share as far as the ferrous industry is concerned is Tata Steel. So your first choice has got to be Tata Steel. Second choice, दोस्तों, जब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आरकॉम के ऊपर, मैं बता दूं कि जो उनके एसेट्स अगर जियो उसको खरीदते हैं तो वहां पे उनका लोन कम हो जाता है। But you must understand one thing कि यहाँ पे रिवाइवल उसका कोई दिखाई नहीं देता है। As far as the Indian telecom industry is concerned, यहाँ पे सिर्फ तीन प्लेयर्स के लिए मार्केट है, और वो तीन एस्टैब्लिश प्लेयर्स ऑफ कोर्स आर वोडाफोन, आइडिया उनके साथ मर्ज हो गया है, तो इट्स आइडिया वोडाफोन, सेकंड इज एयरटेल, एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज द ग्रेट मिस्टर मुकेश अंबानी, द ग्रेट बिजनेसमैन, जिनका एक बड़ा ही अपना एक अलग तरीका है सोचने का, बिजनेस करने का, और उनको मैं बड़ा एडमायर करता हूं, सल्यूट करता हूं, एंड इस कंपनी रिलायंस जियो। तो यहां पे प्लेस इज ओनली फॉर थ्री पीपल, सो देयर इज नो प्लेस फॉर द फोर्थ पर्सन इनफैक्ट इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि कंपनी अपना जो पैसा आता है बेचने पे, जो एसेट्स बेचते हैं, वो पैसा तो बैंकों को आपको देना पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ डेट, तो ये तो आपको रीपे करना है। तो यहां पे प्लीज डू नॉट थिंक कि यहां से कोई ऐसी कोई आपको ग्रेट वैल्यूएशन मिलेंगी एज फार एज आरकॉम इज कंसर्न। एज फार एज टेलीकॉम इंडस्ट्री इज कंसर्न, There are only going to be three players. Again, I'll repeat: Vodafone, Airtel, and Jio. चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत हमारे सवाल जवाब की। कपिल उमेडकर इंदौर से रहते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सेल के शेयर लिए हैं, इसमें वो प्रॉफिट बुक करें कि नहीं? एक चीज बता दूं कपिल जी, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और जब उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो यू मस्ट बुक प्रॉफिट्स। इस फॉर द रीजन, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, कोई ऐसा एक्शन अगर किसी वर्ल्ड में होता है, कहीं पे वॉर हो जाती है, बॉम्ब गिर जाता है, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं विश्व में जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिरता है, तो जो शेयर आपका अप्रिशिएट हुआ है वो गिर जाता है और आपका प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में रह जाता है और फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो यू मस्ट इनकलकेट, यू मस्ट हैव दिस हैबिट ऑफ यू नो बुकिंग द प्रॉफिट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास है मैक्स फाइनेंस, इसको अवॉइड करें, गोदरेज एग्रोवेट को होल्ड करके रखें। आई एम श्योर इनको जिनको आईपीओ में मिले हैं उनको 100 रुपीज से ऊपर पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर गोदरेज एग्रोवेट को बेचिए नहीं, उसको होल्ड करके रखिए। जीएन एक्सेल में से आप एग्जिट कर सकते हैं, बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर को अवॉइड करें। यहां से इन्होंने और भी कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूं, थैंक यू सो मच बिकॉज आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, देयरफॉर कॉफी शेयर गुरु हैज बिकम सो पॉपुलर। हमारा दूसरा सवाल है, राजकुमार जी 46 साल के अबोर पंजाब में रहते हैं, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स और इस प्रोग्राम को मैं रियली रेगुलरली देखता हूं, आईपीओ के अलॉटमेंट के उनको शेयर मिले हैं, फ्यूचर सप्लाई चेन्स के, इसको अवॉइड करें, शेल बी हॉस्पिटल को अवॉइड करें, और वो कहते हैं शेल बी लॉस में है। तो जैसे मैंने कहा कि हर आईपीओ का जो शेयर आता है वो प्रॉफिट में नहीं जा सकता है, बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओ लेके आती है, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है कि मुझे किस कंपनी में पैसा लगाना है जहां से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। सो एज फार एज द आईपीओ मार्केट इज कंसर्न्ड, फ्रेंड्स, यू गॉट टू बी वेरी सिलेक्टिव, एंड अनलेस अगर आप सिलेक्टिव नहीं होंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हुए, मानस जी कटक में रहते हैं, ही सेज आई एम होल्डिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बहुत बढ़िया, दीवान हाउसिंग फाइनेंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। नालको एज फार एज द नॉन फेरस इंडस्ट्री इज कंसर्न, इंडिया में दो बड़े बिग प्लांट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऑफकोर्स इज आदित्य बिरला ग्रुप विच इज हिंडालको, एंड सेकंड ऑफकोर्स इज दमन जोड़ी, और अंगुल में जो स्मेल्टर और रिफाइनरी लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट, दैट इज नालको। मैं कहूंगा नालको भी कोई खराब नहीं, आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। पीटी इंडिया फाइनेंस मैं इसमें ज्यादा नहीं इसको फेवर करता हूं, लेकिन पीटीसी इंडिया को मैं फेवर करता हूं, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को। स्वेन लाइफ साइंसेज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ग्रैनुल्स इंडिया इज वेरी गुड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बहुत अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा है, तो सारे आपके शेयर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ इसमें आप ये कर सकते हैं एग्जिट करिए दीवान हाउसिंग में, और स्वेन लाइफ साइंसेज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद स्वाति मदान जलंधर पंजाब से, वो कहती है हेलो हेलो टू यू, शी सेज आई एम अ न्यू इन्वेस्टर्स, आई हैव द फॉलोइंग स्टॉक्स, अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया, हुडको बहुत बढ़िया, और काम के ऊपर मैं इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में इसको बता दिया है। साउथ इंडिया अगेन इज वेरी गुड, शी सेज प्लीज गाइड मी, आई हैव 50 शेयर्स ऑफ जीआईसी आर्या। जैसे दोस्तों प्लीज अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, शॉर्ट फॉर्म्स में मत भेजा करिए, पूरे कंपनीज का नाम लिखिए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर मी, नहीं तो मेरे को भी अपना ब्रेन स्क्रैच करना पड़ता है कि अरे कौन सी कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद
आरएम पटेल असम तेजपुर में रहते हैं, वो कहते हैं कि आई वांट योर सजेशंस फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सम स्टॉक्स। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स तो मर्जर हुआ है, इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। अक्ष ऑप्टी फाइबर में कुछ ये नहीं है, इसमें एग्जिट करिए। उसके बाद मेहाई टेक्नोलॉजी में एग्जिट करिए, वांटा बायोसाइंसेज में एग्जिट करिए। प्रमोद बागल मुंबई से, यहां पे वो कहते हैं कि प्लीज गाइड मी, कैन आई बाय नाउ चंबल फर्टिलाइजर्स? नो यू कैनॉट बाय चंबल फर्टिलाइजर्स। प्रकाश इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक करिए, वीडियोकॉन को एग्जिट करिए। रेन इंडस्ट्रीज में एक चीज याद रखिए, पेट्रोलियम कोक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से सर्टन स्टेट्स में वो बैन हुआ है। तो यहां पे आप ये जो पैसा जो हुआ है ये मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन है। प्रॉफिट अगर आपको हो रहा होगा तो बुक करिए, लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स इस स्क्रिप्ट को ना खरीदे, ये मेरी उनको सलाह है। ग्रेफाइट इंडिया अगेन दोस्तों इज अ वेरी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एंड यू सी द काइंड ऑफ द एप्रिसिएशन व्हाट ग्रेफाइट हैज डन। ये भी मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं होता है, दिस इज समथिंग वेरी अननेचुरल। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल यहां पे इसको आप ग्रेफाइट इंडस्ट्री में जो 800 रुपए का जो आपका भाव है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो यू मस्ट बुक योर प्रॉफिट। मोहित इंडस्ट्रीज को यहां पे आप अवॉइड करें। सातवें प्रश्न की तरफ जाते हुए अक्षय रेवाल्डकर कांजूर मार्ग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ही सेज आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, आई स्टार्टेड टू वॉचिंग योर वीडियो, थैंक यू सो मच। ये कहते हैं कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो मैंने गुरु मंत्र में बताया, वेरी गुड। उसके बाद इनके पास इंडो सोलार है, उसको भी आप होल्ड करके रखें। और वो बोलते हैं कि 1000 रुपए मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं, तो 1000 रुपए से आपको कोई शेयर नहीं मिलेगा, तो थोड़े से पैसे और उसमें ऐड करिए और ये करिए। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप इसको अपना एक ये नहीं बना सकते, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा सकता, हर बच्चा बिट्स में नहीं जा सकता, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी में नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बाकी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं। हर बच्चे को मेरा ये कहना है कि जिस भी कॉलेज में से आप पढ़ते हैं उसमें बड़ा अच्छा करिए, स्टडीज बड़ी अच्छी करिए, फोकस रखिए एंड गेट गुड मार्क्स, तो यहां पे आपके जॉब्स की कोई कमी नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद यू गॉट टू अप्लाई टू द यूएस एज फार एज योर पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंसर्न, और यहां पे गेटवे टू हेवन इज सिलिकॉन वैली, क्योंकि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं विनोद खोसला जी का। विनोद खोसला जी ने सिलिकॉन वैली में जाके आईआईटी से ही पढ़ के उन्होंने वहां पे अपनी कंपनी बनाई, और अपनी कंपनी बनाने के बाद दोस्तों वो कंपनी जब उन्होंने बेची उनको इतना प्रॉफिट हुआ, एंड टुडे ही इज अ प्राइवेट इक्विटी, आज वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, दैट इज विनोद खोसला। तो आपको भी दूसरा विनोद खोसला बनना है बाय गेटिंग इनटू सिलिकॉन वैली। चलिए दोस्तों, नरेंद्र पाटिल जी डोंबिवली से वो कहते हैं, हाय सर, हाय टू यू नरेंद्र जी, तुमचा खूप मोठा फॅन आहे, ओ ही इज अ ग्रेट फॅन ऑफ माइन, थँक यू सो मच। ही हैज मोर पैन लैब, बिल्कुल एग्जिट करिए, जमुना ऑटो में से प्रॉफिट बुक करिए। रिलायंस कम्युनिकेशन अगेन द सेम क्वेश्चन, आई हैव गिवन द आंसर। एवरेस्ट कैंटो, ये जो आपके एलपीजी के सिलेंडर्स बनाते थे दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, उस जमाने में भी मैं बोलता था आप लोहे को लेते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, और अब तो सारी पाइप गैस आ रही है। तो यहां पे कमर्शियल सिलेंडर्स अलग होते हैं, डोमेस्टिक के सिलेंडर्स अलग होते हैं, तो क्या इसमें ऐसी कोई खास बात है? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट द वैल्यू एडिशन? आप खाली फैब्रिकेशन ही तो कर रहे हैं, तो नथिंग वेरी ग्रेट। तो यहां पे एवरेस्ट कैंटो को मैं कहूंगा कि एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। बापट जी पुणे से कहते हैं, राजेश जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, रेगुलरली आपको देखता हूं, थैंक यू सो मच। इनके पास 63 मून्स हैं दोस्तों, 63 मून जब ये नीचे गया था सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे कि लॉस हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल ऑफ कोर्स हैव मेड प्रॉफिट, बट इनफैक्ट जिन्होंने 130 के भाव में लिया या 140 के भाव में लिए, अभी उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, बट लेट मी अश्योर देम दैट इन फैक्ट दे विल ऑल्सो गेट प्रॉफिट, और जो लॉन्ग टर्म में रखता है उसको तो डेफिनेटली प्रॉफिट है। आरती ड्रग्स में प्रॉफिट बुक करिए, अवंती फूड्स इज गुड, एक्सिस बैंक इज गुड, कैनफिन इज गुड, और कैपिटल लेबोरेटरीज में से आप निकल सकते हैं, एडलवेस इंटेंस टेक्नोलॉजीज, आईपी रिंग्स, केआरबीएल में भी इट्स अ मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव स्टॉक्स आई कैन टेल यू। तो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इसमें बुक करिए। पुराना सीमेंट में से निकल जाइए, एसबीआई को होल्ड करिए, श्री पुष्कर में से एग्जिट, साउथ इंडिया बैंक होल्ड, टाटा स्टील होल्ड, जैसे मैंने कहा टाटा स्टील में साइकिल चेंज हो रही है अब स्टील साइकिल। तिरुमलाई केमिकल्स दोस्तों, कभी आपने इस कंपनी का नाम सुना था? मतलब किसी को नहीं पता था, दिस वाज एब्सोल्युटली एन अननोन कंपनी, नाउ सडनली इन फैक्ट द शेयर इज गॉन डाउन, गॉन अप टू 700 and 800 रुपीस, तो ये मुझे कुछ हजम नहीं होता है। वक्रांगी ऑफ कोर्स इज गुड। वैपको इंडिया अनदर कंपनी फ्रॉम साउथ इंडिया जो ब्रेक सिस्टम्स बनाती है, जिसका शेयर 1000 रुपए में चल रहा है, 2700 रुपीस, अरे 2000 करोड़ का टोटल टर्नओवर, और वैपको इंडिया का शेयर 7485 रुपीस का भाव। And suppose if you look at the turnover of the company is only 2000 crores with a net profit of 300 crores, ठीक है 50% का profit है, but what is so great?
अगर आप इसके अगर इस रेशो को देखें नेट सेल्स टू नेट प्रॉफिट को, हाउ कैन अ शेयर, अ सिंगल शेयर बी एट 7485 रुपीज और हर वक्त, और उसके बाद फिर लोगों की मैं राय देखता हूं कि 50% ऑफ द पीपल से बाय इट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मुझे हजम नहीं होता है, इसके लिए तो मुझे कोई गोली खानी पड़ेगी अगर इसको, अगर मेरे को हजम कराना है तो। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम लेते हुए चलते हैं। आकाश सिंह एचएसबीसी बैंक दिल्ली में कुछ काम करते हैं, मार्केट इज एट द रिकॉर्ड हाई, ही सेज वेरी गुड क्वेश्चन एंड व्हाट ब्यूटीफुली ही इज रिटन, इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अपोलो टायर्स। लेट मी टेल यू आकाश, सिंस यू आर अ बैंकर, यू वर्किंग फॉर अ बैंक, लेट मी टेल यू, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर में जो बिल पास किया है बैंकरप्सी का, उसमें आपने देखा कि 10 ट्रिलियन के टोटल एनपीएस हैं। अगर ये एनपीएस अगर आप ये इसको नहीं रिकवर करते तो कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। देन हाउ टू इन्फ्यूज द मनी, बैंक के पास अपना तो पैसा होना चाहिए, जो डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास है, 90 लाख करोड़ के जो डिपॉजिट्स हैं, दैट इज नॉट बैंक्स मनी, इट्स अ लायबिलिटी व्हिच इज द बैंक हैज टू पे बैक। तो यहां पे बैंक्स सॉल्वेंट होने के लिए उनके पास अपना पैसा होना चाहिए। तो इसके लिए ये जो बैंकरप्सी कोड आया है, इसमें बैंक्स में आप देखेंगे कि रिकवर तो हो रहा है पैसा, और बड़े अच्छी तरीके से रिकवर होगा, और मर्जर भी होगा। तो मर्जर जब कंप्लीट होता है तो मैं आज भी कहता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफ कोर्स इज यस, अपोलो टायर्स बहुत बढ़िया कंपनी फ्रॉम द हाउस ऑफ रौनक सिंह, लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि इसकी प्राइसिंग आपके एमआरएफ की तरह हो जाएगी, मापिल्ले जी के कंपनी की तरह, तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू एज फार एज सीएट इज ऑल्सो कंसर्न, आई फाइंड द प्राइस टू हाई, जो मुझे भी बिल्कुल हजम नहीं होती है। एमआरएफ की प्राइस के ऊपर कुछ रीजंस है जिसकी वजह से है, फ्लोटिंग स्टॉक बड़ा कम है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सो दीज आर वन ऑफ द, दीज आर द टू रीजंस व्हाई यू सी सच अ हाई प्राइस ऑफ 50,000 एंड अबव फॉर एमआरएफ। देन ही सेज ही इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ माइन, और अब वो कहते हैं कि उनका लास्ट क्वेश्चन, शुड आई इन्वेस्ट इन डाबा, यस वन ऑफ द कंपनीज इन फैक्ट व्हिच इज प्रमोटेड बाय द बर्मन फैमिली इज इनटू एफएमसीजी। एफएमसीजी में यू हैव ओनली अ फ्यू कंपनीज इन इंडिया विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर ऑफ कोर्स इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद फिर आपकी डाबर भी आती है, उसके बाद फिर मैरिको इंडस्ट्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ मारीवालास, उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन अ वेरी फास्ट वे पतंजलि इज कमिंग अप इन अ फास्ट वे, लेट अस सी वेदर दे गेट देमसेल्व्स लिस्टेड ऑर नॉट। दोस्तों अब जैसे मैंने कहा कि स्टील साइकिल इंडिया में चेंज होने वाली है, प्लीज बाय टाटा स्टील, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर यू गोइंग टू गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट, बिकॉज एज एवरीथिंग इज अ साइकिल, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे सबसे पहला गुरु मंत्र जो मैंने दे रहा हूं आपको इज टाटा स्टील, and second of course is a non banking financial company which is GIC housing, and go ahead with these two companies, thank you so much। viewers se yahi request hai multi bagger stock ke piche na bhage, kyunki multi bagger stocks hum aapko advice nahi kar sakte, multi baggers ki jagah aap guru mantra follow kare jo ki aapko 5 to 10% ka profit zarur deta hai। दूसरी चीज, व्हेनेवर यू आस्क योर क्वेश्चन नाम और लोकेशन के साथ पूछिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन डिस्क्वालिफाइड हो जाता है।